अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा की बात कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण पर मनमानी का आरोप है। जगत फार्म मार्केट में बिना नोटिस के बुलडोजर चला दिया जाता है। अथॉरिटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया जाता। व्यापारियों ने मार्केट बंद करने का भी भरोसा दिया है। तो जगत फार्म मार्केट में बिना नोटिस के बुलडोजर चला है, ये एक खबर सामने ग्रेटर नोएडा से आई है। और ये हम इस बीच आपको बता दें कि ये जगत फार्म बताया गया और ये कहा जा रहा है ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण ने अपनी मनमानी की है। प्राधिकरण पर मनमानी का ये आरोप लगा है। लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन ये बुलडोजर अवैध निर्माण के लिए है। बाकायदा निर्माण तोड़ने से पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। जगत फार्म मार्केट में बिना नोटिस दिए ऐसा आरोप लग रहा है कि नोटिस यहां पर नहीं दिया गया, बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर कर दी गई। अथॉरिटी की तरफ से यहां पर किसी तरीके की कोई जानकारी पहले नहीं दी गई। व्यापारियों ने मार्केट बंद करने का आह्वान यहां पर किया है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। अंकित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, जो अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध संपत्ति है, उस पर तो ये पीला पंजा चल रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है जगतपुरी की जो मार्केट है, जगत फार्म की जो मार्केट है, नोटिस नहीं दिया गया, कार्रवाई पहले कर दी गई। क्या अभी तक आपको जानकारी मिल पाई है? सही देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार वहाँ जो मार्केट के व्यापारी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला और प्राधिकरण ने तुरंत कार्रवाई कर दी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ प्राधिकरण की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उन तस्वीरों में साफ तौर पर इन लोगों ने घर के आगे भी, मतलब दुकानों के आगे भी एक तरीके से रैंप बना लिए हैं और शेल्टर्स बना लिए थे ऊपर से, जिसको लेकर के प्राधिकरण की ये कार्रवाई हुई है। व्यापारियों में इसको लेकर के आक्रोश है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला है और हम अथॉरिटी के खिलाफ अब, क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और अब हम उनकी बात नहीं मानने को तैयार है। तो व्यापारियों ने मार्केट को बंद करने के लिए आदेश दे रखा है। मार्केट को मूल रूप से प्राधिकरण की तरफ से सुविधाएं न होने की बात भी वो लोग लगातार उठाते रहे हैं। यानी पूरी तरीके से देखें तो प्राधिकरण की कार्रवाई हुई है और अब इस पर कहीं ना कहीं जो वहां के व्यापारी हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंकित, तमाम जानकारी देने के लिए।